नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है रेखाज ब्लॉग लाइफ। तो आज हम लोगों ने अलीबाग का प्लान किया आने का और सोचा क्यों ना क्रूज की सवारी की जाए, जिसमें आप गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। मुंबई से मांडवा ये क्रूज चलती है, रोरो क्रूज फेरी का नाम है। तो चलिए आपको क्रूज की सवारी कराते हैं और एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। तो ये देखिए सामने में रोरो फेरी खड़ा है। हम लोग सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। फर्स्ट ट्रिप हम लोगों ने लिया था और इसका टिकट ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूंगी। इसमें आप अपनी गाड़ी लेके भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, गाड़ी का अलग से चार्ज होता है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये बहुत इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है, काफ़ी लग्जरी ट्रिप हो सकता है आपका, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। देखिए अब मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ और शिप में एंटर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टाइम था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था शिप के भीतर एंटर करने में। गाड़ी में बैठे हुए शिप के भीतर एंटर करना जैसे लग रहा था कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही हो। ये मुंबई से मांडवा तक ये शिप जाती है और वहाँ से करीब 20-25 मिनट का रास्ता है अलीबाग का। तो हम लोगों को अलीबाग जाना था तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं क्रूज़ की भी सवारी की जाए। देखिए हमारी गाड़ी धीरे धीरे एंटर करते हुए अब यहाँ पे रुक जाएगी। आगे जो गेट देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं ब्लू एंड येलो कलर का, वो मांडवा जाने से वो उस साइड का गेट खुल जाएगा और हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ। नीचे देखिए गाड़ी की कितनी सुंदर लंबी लाइन सेट करके रखी हुई है। शिप के भीतर का है ये सीन। फर्स्ट फ्लोर मैं पहुँच गई हूँ। सेकेंड फ्लोर तक ये शिप है। सेकेंड फ्लोर में रेस्टोरेंट है। देखिए मैं चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत शिप है, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा शिप वाइट कलर से पेंटेड है और साइज भी काफ़ी अच्छा है। सुबह का 6:30-7 बजे का समय है, ये सनराइज होने ही वाला है। मुंबई में सनराइज थोड़ा लेट होता है। ये देखिए मैं भीतर रेस्टोरेंट में आ गई हूँ। शिप के भीतर का रेस्टोरेंट है जिसमें एक छोटा सा स्टॉल भी है जहाँ टी शर्ट सेल हो रहा है, जिसमें शिप का लोगो लगा हुआ है। एक छोटा सा काउंटर इन्हें दिया गया है और ये है शिप के बाहर का नज़ारा। शिप चल चुकी है, हम लोग समुद्र के भीतर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, हल्की हल्की ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिप में कुछ दूर भीतर जाने के बाद समुद्री चिड़िया बहुत आती है, सीगल जिसको बोलते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और खाना खाने आप खाना दीजिए तो ज़रूर आते हैं। तो मैं दोनों हाथ में चॉकलेट ली हूँ और वेट कर रही हूँ कि वो लोग कब आएँ। कुछ टाइम लगता है, वो लोग देख लेते हैं ऊपर से कि हाँ आप हाथ में कुछ लिए हुए हैं। तो ये देखिए आना शुरू कर दिए, बहुत बड़े झुंड में आ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक भी कैच मेरा पानी में नहीं जा रहा है। मैं पाव खिला रही हूँ, बड़ा पाव जो ब्रेड होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक रही हूँ, सारे इन लोग कैच कर ले रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोग खिलाने में, बहुत ही सुंदर होते हैं। हाथ में ये लोग नहीं खाते हैं आकर, इनको फेंकना पड़ता है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, काफ़ी लोग खिला रहे थे, काफ़ी अच्छा टाइम पास हो रहा था क्योंकि क्रूज चल चुका था और मुंबई से मांडवा आने में 45 मिनट्स लगते हैं, तो ये टाइम पास करने का बहुत अच्छा तरीका था। मेरे हस्बैंड भी खिला रहे हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है ब्रेड खिलाते हुए। देखिए सनराइज, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फेरी पे ट्रिप लगाने का। एक सजेशन देना चाहूँगी कि किसी को वीकेंड में जाना हो, मतलब सैटरडे संडे, तो समय से काफ़ी पहले पहुँच जाए क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है उस समय, बैठने तक की जगह नहीं मिलती। और प्रेफर कीजिए कि आप वीकडेज में जाएं तो इसमें काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, भीड़ काफ़ी कम होती है। और सुबह का ट्रिप सबसे अच्छा होता है और नहीं तो शाम का ट्रिप। दिन के समय धूप बहुत लगती है और शायद आपको बैठने की जगह ना मिले तो खुले धूप में आपको चेयर पे बैठना हो सकता है। तो ये सुबह शाम का मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि ये ट्रिप बहुत अच्छा लगेगा। सेगुल चिड़िया भी आपको सुबह सुबह ही नज़र आएगी या शाम को नज़र आएगी, यदि आपको उनके साथ इंजॉय करना है तो। बाकी आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, लाइक शेयर करना ना भूलें और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इतनी खूबसूरत नज़ारा है,
45 मिनट्स होने को हैं तो सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं ताकि वो लोग गाड़ी में बैठ जाएं, क्योंकि 10 मिनट बाद गेट खुलने वाला है। और देखिए ये गेट खुल रहा है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। गेट धीरे धीरे खुल के रोड बन जाता है, काफ़ी सॉलिड आयरन से बना हुआ वो गेट है जिसके ऊपर से हम लोग क्रॉस करते हुए मांडवा आ जाएंगे। तो देखिए हमारे सामने ये लाल गाड़ी है और हम लोग बाहर अब आ चुके हैं, अलीबाग का रास्ता तय कर लिए।